जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठा है इंकलाब के नारों से। जो जुल्मे कर रहे हैं कितना जुल्म हर चौराहे पर, अभी कल शाम को मेरी जेब की तलाशी लिया गया, चेकिंग लगा के चल रहा है, मोटरसाइकिल चेक किया गया, इससे जनता में और आक्रोश पैदा हो रहा है और इसलिए समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। देखिए चाचा कह रहे हैं कि इनके मोटरसाइकिल को चेक किया गया जबकि वो आप सब्जी लेने गए थे। हाँ सब्जी दरोगा धमका रहा बुला करके, अलग दरोगा धमका रहा है अम्बेडकर नगर में भैया कटहरी में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और इनका आरोप है कि जैसे ही बताया जा रहा है कि सपा के है, एजेंट बन के घूम रहे, मतलब अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं बीजेपी का, है तो उसको भी धमका रहे हैं, गमछा देख लेते हैं कि ये सफाई है इसको बार बार गमछा लगाए रहेंगे। हाँ गमछा तो लगाए रहेंगे, सर कट जाएगा, समाजवादी हूँ, समाजवादी के लिए वोट मांगूंगा, समाजवादी को। अभी देखिए रेडियो पंचायत साहब स्वतंत्र सिंह नंदरी जी के साथ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात। मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव, कटहरी उपचुनाव में गोरखपुर लाइव की टीम आई हुई, कटहरी विधानसभा है और पीछे अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक जनसभा होने जा रहा है, लोग जुटे हुए हैं, कटहरी के लोकल लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे इस बार का मुद्दा क्या है। लालजी वर्मा यहाँ के विधायक हुआ करते थे, लोकसभा के चुनाव में सांसद हो गए, उसके बाद से सीट खाली हुई, उनकी पत्नी सुभावती वर्मा चुनाव मैदान में है तो वही बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उतारा है, तो बसपा से अमित वर्मा चुनाव लड़ चुके हैं, बसपा का ये गढ़ है और तीनों प्रत्याशी कहीं ना कहीं बसपा से ही निकले हैं। क्या नाम है चाचा? राम मुरत वर्मा। वर्मा जी, राम मुरत वर्मा जी, क्या माहौल है वर्मा जी का? एक तरफा है सपा का, सपा का कोई लड़ाई नहीं है, और धर्मराज निषाद के बारे में लोग कह रहे हैं कि तीसरे पे जाएंगे, तीसरे पे। हाँ कारण क्या है तीसरे पे जाएंगे? पिछली बार बीजेपी कटहरी में जब चुनाव हुआ था तो 7,000 से हारी थी, 17,000 से, 17,000 लोकसभा में 17,000 नहीं, लोकसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधानसभा की बात, 7,000 से हारी थी, 7,000 वही में। हाँ इस बार इतना अति हो रहा है, शाम को 15 मोटरसाइकिल अहिर और कुर्मी और मुसलमानों का जबरदस्ती चौराहे उठा ले गए, 12 बजे रात को छोड़े, कोई बोस नहीं। तो वर्मा जो है नाराज हो गए? वर्मा नाराज है, मुस्लिम नाराज, यहाँ सब नाराज है, पूरी जनता नाराज है, जितने अति करें जितने ही अपना। जैसे कटहरी की बात होती है तो जात की बात क्यों होने लगती है? यहाँ कहा जाता है कि धर्म जाति सबसे बड़ा मुद्दा। इस जिले में आज तक भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, कोई विकास काम कुछ नहीं किया है, क्या किया है? कोई काम नहीं उसका, और क्या कोई काम नहीं हुआ है आपके हिसाब से? भाजपा ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। आपकी लड़ाई उड़ाई है? कहाँ लड़ाई है उसकी, भाजपा कोई लड़ाई नहीं, भाजपा लड़ाई से बाहर है। तो यही होता है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक है, जब भाजपा के समर्थकों के बीच में गए तो वो भी कहेगी लड़ाई नहीं है। और अभी चाचा ने कहा कि भाजपा तीसरे पर जाएगी और भाजपा के लोगों से हमने कहा तो समाजवादी पार्टी तीसरे पर जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ पर भाजपा और सपा में ही मुकाबला है, सच है ना? हाँ सच बोल दिया। देखिए लड़ाई में दो है लेकिन तीसरा कहीं बाजी ना मार ले, जाएगी भाजपा तीसरे पे, भाजपा तीसरे। हाँ आज तक भाजपा ने पूरे अम्बेडकर नगर जिले में एक भी पैसे का काम नहीं किया है, ना कोई विकास का काम किया है, ऊपर से भाजपा गवर्नमेंट जी, भाजपा गवर्नमेंट में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, किसी ने गवर्नमेंट के किसी सदस्य ने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया कि कहीं बच्चों के लिए कोई एग्जाम हो रहा है, जो भी एग्जाम करवा रहे हैं सारे के सारे कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जा रहा है नहीं तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर क्यों लीक हो रहा है, क्यों इसी गवर्नमेंट में केवल पेपर लीक हो सकता है और गवर्नमेंट में पेपर नहीं लीक हो सकता था? नगर की बात कर रहे हैं जी, भाजपा को मौका ही कहाँ मिला, भाजपा को मौका ही कहाँ मिला, गवर्नमेंट आपकी है आपको मौका नहीं मिला। अम्बेडकर नगर की बात कर, अम्बेडकर नगर कोई अलग नहीं है, इंडिया के बाहर नहीं है, इंडिया का है, यूपी के बाहर नहीं है, यूपी का ही है, ये मौके की कौन सी बात आ गई कि उनको मौका नहीं मिला? कटहरी की जो स्थिति है अभी, अमित वर्मा वो भी चूंकि कुर्मी समाज से आते हैं,
कहा जा रहा है कि अमित वर्मा बसपा से चुनाव लड़े, सभी लोग बसपा से ही निकल कर आए, चाहे धर्मराज हुए, चाहे लालजी वर्मा हुए, चाहे अमित वर्मा, उनकी क्या स्थिति है? अमित वर्मा चुनाव में टिकेंगे नहीं कहीं। कितने नंबर पर रख रहे हैं अमित वर्मा? तीसरे, चौथे पर। तीसरे पर अमित वर्मा, तीसरे पर या चौथे पर जाएंगे ना, दूसरे पर जाएंगे, तीसरे पर रहेंगे, उनका स्थान फिक्स है एकदम। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हम यही कह रहे हैं जो आप कह रहे थे कि अभी यहाँ बीजेपी है नहीं, बीजेपी आई नहीं, तो विकास क्या करे, अब लड़ा क्यों रही है बीजेपी यहाँ? लड़ाना ही नहीं चाहिए। तो सही बात है, प्रदेश में जब है, यहाँ प्रदेश में है, यहाँ प्रदेश में है, तो यहाँ जब कुछ करेंगे तभी तो जीतेंगे। कुछ कर नहीं रहे, कुछ कभी नहीं, 8 साल तो हो गए। यहाँ नगर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार तो हो ही रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये तारीख पे तारीख बदल रहे हैं, और इससे सपा और मजबूत हो रही है, जो इतना अत्याचार कर रहे हैं। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठा है। फिर बोलिए एक बार, फिर एक बार बोलिए। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठा है, इंकलाब के नारों से। जो जुल्मी कर रहे हैं, जितना जुल्म हर चौराहे पर, अभी कल शाम को मेरी जेब की तलाशी लिया गया, चेकिंग लगा के चल रहा है, मोटरसाइकिल चेक किया गया, इससे जनता में और आक्रोश पैदा हो रहा है, और इसलिए समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। देखिए चाचा कह रहे हैं कि इनके मोटरसाइकिल को चेक किया गया, जबकि वो आप सब्जी लेने गए थे। हाँ, सब्जी दरोगा धमका रहा बुला करके, अलग दरोगा धमका रहा है अम्बेडकर नगर में भैया, कटहरी में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, और इनका आरोप है कि जैसे ही बताया जा रहा है कि सपा के है, एजेंट बन के घूम रहे, मतलब अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं बीजेपी का। ये मान के चलिए बीडीओ से लेकर के जितने कर्मचारी हैं, सब प्रधानों को धमका रहे हैं, कोटेदारों को धमका रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसको कह रहे हैं कि गमछा है, तो उसको भी धमका रहे हैं। वो गमछा देख लेते हैं कि ये सफाई है, इसको उसके बार बार तो गमछा लगाए रहेंगे। हाँ, गमछा लगाएंगे, सर कट जाएगा। समाजवादी हो, समाजवादी के लिए वोट मांगूंगा, समाजवादी को। अभी देखिए रेडियो पंचायत साहब स्वतंत्र देव सिंह नंदरी जी के साथ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चाचा कहाँ से? अम्बेडकर नगर से। क्या माहौल है? समाजवादी जीते भैया, साढ़ भाई सच के मरवाए जी जो आए, किसान मन ही साढ़ भाई सच के जी जो आए, साढ़े से समाजवादी जीते भैया। हाँ, की कहा जा रहा है माहौल गड़बड़, कुछ गड़बड़ ना भैया, वही जो कहा था तो धरे रहा। हाँ, सब ठीक है, सब एकदम सरफराज साइकिल जाए। यही कहा जा रहा है कि लालजी वर्मा के परिवार सुबह उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, किसी और वर्मा को टिकट मिल जाता। अरे बड़ी अच्छी बात है, लड़ रहे दूसरे के हो तो भाग के मैदान छोड़ के। यदि लालजी वर्मा जी की पत्नी न होती, दूसरा कोई कैंडिडेट होता तो उसको नजरबंद कर दिया जाता, कोई वर्मा होता। हाँ, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी, अगर योगी जी डाल डाल की बात करते हैं तो पात पर रहते हैं माननीय सांसद जी, जो सोचते हैं उसके पहले सोच के काम कर देते हैं माननीय सांसद जी। लालजी वर्मा, ये वर्मा जी के समर्थक हाँ कुछ कह रहे थे आप जी? जी कुछ और कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि लालजी वर्मा ऐसे व्यक्ति है, सुख दुख के साथी, और मेन चीज कि जो योगी जी सोचते हैं और लालजी वर्मा जी उसको करके कर देते हैं। दरवाजे पे कोई अगर आधी रात को जाए या सुबह जाए, वो हर वक्त तैयार रहते हैं जनता से मिलने के लिए। मौसम वैज्ञानिक की बात नहीं, जैसे मानिए हमारे सांसद जी पलटू नहीं है, कभी कभी पलटते, कभी नहीं पलटते। आज बसपा से आप जानकारी कर लीजिए, बसपा से निकाले गए, सबको निकलते ही है, बसपा से सबको निकाला ही जाता है। हाँ, तो निकाला गया, निकाला गया, धर्मराज निकाला गया है, धर्मराज अपने आप निकले हुए है, एक आध जैसा खाने को नहीं पाए तो अपने आप निकल गए। ये लालजी वर्मा के समर्थक है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अभी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इन लोगों का साफ कहना है कि जो कटहरी में है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लालजी वर्मा की पत्नी सुधावती वर्मा चुनाव जीतेंगी।